Hello student, how are you? I hope you all are doing well. Student, today we will going to revise tick the correct answer. Okay? आज हम tick the correct answer revise करेंगे chapter 1st, 2nd और 3rd की. Okay? You also revise it? Yes. Tick the correct answer. But fulfill our basic needs. हमारी जो basic needs है कौन fulfill करता है? Friend, family और father. Family is the right answer, so we can टिक किया. हु गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड? फादर, फैमिली और मदर. मदर, ओके, जो एक चाइल्ड को जो बर्थ देती है मदर देती है. आवर पेरेंट्स वॉन्ट अस टू डू द राइट थिंग्स, बैड थिंग और मैनी थिंग. राइट थिंग्स इज द राइट आंसर, सो वी कैन टिक किया. जो हमारे पेरेंट्स हैं हमसे अच्छी चीज़ें ही करवाना चाहेंगे ना, बुरी चीज़ें तो नहीं करवाना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे, वो राइट थिंग्स ही करवाना चाहेंगी. ओके ओके, लेसन सेकंड के टेक द करेक्ट आंसर. अ मेंबर ऑफ एन इमीडिएट फैमिली इज कजन, फादर और आंट. फादर इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट, एन ओकेशन फॉर एन एक्सटेंडेड फैमिली टू सेलिब्रेट इज अ वेडिंग, टीचर डे, एन एनुअल डे. वेडिंग सेलिब्रेट करते हैं. Yes, the relative of the mother side are the paternal relative, maternal relative, distant relative. Maternal relative is the right answer, so we can take here. Okay. Yes, take the correct answer. Food grains like rice, wheat, oats, etc. are called cereals. Okay, it is used by farmers to plug the fields tractor. Cutting crops when they are ripe is called harvesting is the right answer. Okay? Yes. Next, encircle the urban age group. Turmeric, cloves, wheat, chilies. So, wheat urban है ना, इसलिए हमने यहाँ पे circle किया. Plough, tractor, farmer. Farmer is the urban, इसलिए हमने यहाँ पे circle किया. Pesticide, water. इन सब में water ऑड वन है, इसलिए हमने यहाँ पर सर्कल किया. ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ऐसे नोटबुक में आपको बहुत ही सुंदर वे में लिखना है. आपने लिखा हो, आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई, तो आप ऐसे रिवाइज करते बट फुलफिल अवर बेसिक नीड्स, फ्रेंड्स, फादर या फैमिली. फैमिली इज द राइट आंसर, तो हमने फैमिली पे टिक किया. ओके, हु गिव बर्थ टू अ चाइल्ड? फादर, फैमिली और मदर. मदर इज द राइट, सो हमने मदर पे टिक किया. आवर पेरेंट्स वॉन्ट अस टू बी द टू डू द राइट थिंग्स. जो हमारे पेरेंट्स हैं हमसे राइट थिंग करवाना चाहते हैं. नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ एन इमीडिएट फैमिली इज फादर. एन ओकेशन फॉर एन एक्सटेंडेड फैमिली टू सेलिब्रेट इज अ वेडिंग. ओके, द रिलेटिव ऑफ द मदर साइड आर अवर maternal relatives. Okay student, okay student, today we revise, take the correct answer, lesson 1st, 2nd and 3rd. We also revise it. Now time to say bye. Bye bye student, have a nice day.